नमस्कार, मैं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार शहर व धार जिले में अब कोरोना से लोगों को थोड़ी ही राहत मिली थी कि धार जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है। धार जिले व शहर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। धार जिले के निजी अस्पताल व जिला अस्पताल में डेंगू के मरीज पहुँच रहे हैं। 44 मरीज डेंगू के अभी तक मिले हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों ने निजी अस्पताल में अपनी जांच कराई और उपचार से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं कई मरीज निजी अस्पताल में उपचाररत हैं। धार शहर के रासमंडल क्षेत्र में एक युवक की डेंगू के बुखार से इंदौर में उपचार के दौरान मौत हो गई। नगर पालिका के द्वारा फॉगिंग मशीन से धुआं करवाने, सर्वे करवाने, स्लाइड बनवाने की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल देर शाम स्थानीय पार्षद रासमंडल के खुद कचरा वाहन के आगे चलते धुआं करवाते नजर आए, जबकि डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों ने भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। मलेरिया विभाग के द्वारा ग्रामीण अंचलों में फॉगिंग मशीन से पंचायत के माध्यम से अब जब डेंगू ने पैर पसार लिए तब धुआं करवाया जा रहा है। वहीं धार में नगर पालिका के द्वारा जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया गया है। धार के पिपली बाजार, हरजी फलिया, राउटी में कई मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों का धार के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, तो कई स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं रासमंडल निवासी तनिष्क यादव की तबीयत खराब होने पर परिजन इंदौर ले गए थे। डेंगू की पुष्टि हुई, उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिवार दूध डेयरी का संचालन करता था। युवक की मौत के बाद क्षेत्र में दहशत है। वहीं पड़ोस में रहने वाले दुकानदार ने बताया कि नगर पालिका की टीम आई थी, लेकिन ताला लगा होने से आसपास भी कहीं दवा का छिड़काव नहीं करके गई है, नहीं धुआं करके गई है। गलियों में गंदगी व पानी जमा होने से एडीज मच्छर के लार्वा घरों के बाहर रखी टंकियों में पनप रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में अभी तक जिम्मेदार नहीं पहुंचे हैं। लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। धार जिले के खिलेरी, बिरवाल, सादलपुर में भी डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। मलेरिया अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र जैन ने क्या कहा, देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। हाँ, ये तो सही है, थोड़ा डेंगू केस निकल रहे हैं, लेकिन युवक की मौत का मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। हमें उसकी रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो इंदौर में हुई थी डेथ, तो उसकी हमको रिपोर्ट नहीं हुई है प्राप्त। अभी जिले में 44 केस हो गए हैं और हमारी एक्टिविटी चल रही है। हम लार्वा सर्वे वगैरह हमारा चल रहा है और हम लोगों ने टीम भी गठित कर ली है, पहले से भी हैं, और नगर पालिका से भी हमारा सामंजस्य स्थापित है, और जो भी हमारी एक्टिविटी है वो विभाग के द्वारा की जा रही है। कुछ पीपली बाजार में भी मिले हैं, कुछ रासमंडल क्षेत्र में, राउटी वगैरह क्षेत्र में कुछ पाए जा रहे हैं, और ब्लॉक में सरदारपुर और बदनावर ब्लॉक ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ भी हमारी एक्टिविटी चल रही है। सर, देखा जा रहा है कि जो फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जाना चाहिए लार्वा को नष्ट किया जाना का, वो कहीं देखा नहीं जा रहा है। नहीं, फॉगिंग मशीन से हो रहा है। अभी हमने कल भी मुल्थान वगैरह में सभी जगह करवाया है, आज भी हम लोग खिलेड़ी में हमारी मशीनें काम कर रही हैं, तो जो भी हमारा स्तर से काम है वो हम करवा रहे हैं। सर, नाम और पोस्ट? जिला मलेरिया अधिकारी धर्मेंद्र जैन। पास में जो डेंगू से डेथ हुई है, नगर पालिका वाले दवाई छिड़कने के लिए आए थे, लेकिन उनके यहाँ ताला लगा होने की वजह से ना तो आसपास दवाई छिड़की, ना आगे कहीं दवाई छिड़की। आपका नाम बताओ? विजय कुमार। किस विषय में भर्ती हुए हैं? मेरा बताऊँ, 25 तारीख एक दिन पहले बहुत हेडक हो रहा, दिन रात पूरा हेडक में रहा, फिर अगले दिन सुबह यहाँ पे सर को दिखाना है, तो सर ने क्या कि एडमिट करना पड़ेगा, फिर उसी समय फिर डेंगू पॉजिटिव बता। क्या नाम आपका? अभिषेक चौहान। कहाँ रहते हैं? मैं मजाली में।